नॉलेज दे रखी है। बिजनेस डिस्क्रिप्टिव के बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ और अब ये नई वीडियो के साथ। इसमें पहले हम क्या करते थे, जो जॉब सर्टिफिकेट उन पर हमने डिस्क्रिप्टिव स्पेसिफिक कराया था, ठीक है, फाइंड आउट किया था। अब हमारा कंसर्न जो है वो वेरिएबल्स के साथ है, मल्टीपल रिग्रेशन लाइन ये हम SPSS के थ्रू भी करेंगे और एक्सेल के थ्रू। तो इसके लिए पहले क्या करना होता है, डेटा को ट्रांसफॉर्म करना होता है। जो हमारे पास बहुत से एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल जॉब सर्टिफिकेशन के 6 एलिमेंट है, इनको हमने ट्रांसफॉर्म करके इनका मीन निकालना है। तो सबसे आपको क्या करना होता है, इसी काम में होते हैं एक वेरिएबल बनाना होता है, उसके बाद हम क्या निकालेंगे उसकी स्पेसिफिकेशन। तो आए पहले डेटा को ट्रांसफॉर्म करने का तरीका सीखते हैं, इसका मीन कैसे निकालेंगे। तो ट्रांसफॉर्म में आ जाएं, कंप्यूट वेरिएबल, यहाँ पे आपने कुछ सिलेक्शन करी थी, आप एडिमेंट काम किया था, तो यहाँ पे आपने जाना है स्पेसिफिकल पर, फिर मीन पर आपने डबल क्लिक करना। तो यहाँ पे मीन का फार्मूला आ जाएगा, ये क्वेश्चन मार्क आपने हटा देने हैं, पेरेंथेसिस रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो आपका टारगेट वेरिएबल होगा वो आपने देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है जॉब सर्टिफिकेट, यहाँ पे मैं दे देता हूँ जॉब सर्टिफिकेट, ये है। अब जितने भी एलिमेंट हैं इसको मैं क्या करूँगा कि तरफ दे के जाऊँगा, डबल क्लिक करें उधर चला गया। यहाँ पे कामा डालना जरूरी होता है, ठीक है, ये डबल क्लिक कामा, ये थ्री कामा, ये फोर कामा, ये फाइव कामा, ये सिक्स नो कामा, यानी यहाँ पे ओके करने के बाद दोबारा बॉक्स आएगा, जिसको भी ओके कर दें तो आपके पास डेटा एक्सक्यूट हो गया है, उसको क्रॉस करें, नो कर दें, ठीक है। यहाँ पे देखें ये इसका मतलब जितने भी एलिमेंट है उसका मीन निकला है, मतलब ये होता है एडिट 4 + 4 + 2 + 4 + 4 + 5 डिवाइडेड बाय कितने एलिमेंट है, तो इसलिए आपका मीन आ गया। इसी तरह आपने इसी तरह आप के लिए भी ले लेना है, ठीक है, और एन वाला दोबारा मैं कर देता हूँ, ठीक है। उसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म कंप्यूट वेरिएबल, यहाँ पे आ रही आपके पास फॉर्मूला होगा, जस्ट उसको आपने क्या करना है, इसको डिलीट कर देना है। यहाँ पे टारगेट वेरिएबल अब हमारा INJ है, क्या है, INJ पॉलिटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट में हमारे पास ये वन है INJ1 कामा INJ2 कामा INJ3 कामा INJ4 कामा INJ4 ओके, फिर ओके आपके पास डेटा एक्सक्यूट हो गया, क्रॉस कर दें, नो कर दें, ठीक है, यहाँ पे उसका मीन आ गया। तो आपके पास सारे मीन आ गए, यहाँ पे आपने इस डेटा को सेव कर लेना, ठीक है, फाइल सेव हो जाएगी, फिर इसी तरह क्रॉस नो, ये आपके पास डेटा भी सेव हो गया, मीन भी आ गया। अब हम आते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की तरफ, तो एनालाइज में चले जाएं, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर फिर डिस्क्रिप्टिव आ। अब हमने क्या करना है, पहले तो हम एलिमेंट को लेते थे, अब हम इससे वेरिएबल को हम राइट बॉक्स में ले जाएंगे, ठीक है, जो मेन वेरिएबल है। यदि राइट बॉक्स में तो डिटेल जस्टिस टारगेट जस्टिस और ऑप्शन में चले जाएं, जो डिसीजन आपको चाहिए उस पर आप क्लिक कर रहे हैं, ठीक है, आपको जो मतलब चाहिए होती है और ज़्यादा चाहिए तो आप ठीक है, अब ओके कर दें।
कॉपी करने के बाद आपके पास बहुत ज्यादा है या जैसे जॉब कर सकते हैं जो कि नंबर ऑफ स्टेटस ठीक है मिनिमम रेंज और ये होते हैं जो हम करते हैं जो एरर है बहुत सारे क्या करते हैं तो कॉपी कर लेते हैं और अब आते हैं एक्सेल की तरफ एक्सेल में भी हमने एवरेज निकालना है उसी तरह डेटा गिवन है तो क्या करेंगे जो कर्सर होगा वो फर्स्ट जो सेल होगा जॉब के लिए उसको सेलेक्ट कर लें इक्वल प्रेस करें और एवरेज एवरेज लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन और सबसे आगे लेने हैं मुझे जॉब अब यहाँ पे प्लस साइन पर डबल क्लिक करें तो आपके पास ये सारा डेटा आ जाएगा अगर डेटा आपको पॉइंट के बाद कितना चाहिए तो क्योंकि जॉब एस पी एस एस में पॉइंट के बाद मैंने दो डेसिमल लिए हैं ये आपके पास डेटा आ गया जॉब सब्सक्रिप्शन का ये ठीक है उसके बाद आपने ये डीजे का भी ले लेना है और एडिट में तो भेज देता हूँ ठीक है तो देखिए येलो कलर चल रहा है सब कभी आप लेने के बाद क्या करेंगे किसके स्टेटिस्टिक उसका निकालना है तो उसके लिए ज़रूरी है आप डेटा में से मतलब एक एक को कॉपी करो ठीक है ये जॉब का डिस्क्रिप्शन है उसको आप सेलेक्ट करें यहाँ तक कॉपी कर लें और दूसरी शीट में पेस्ट कर दें ठीक है यहाँ पे ये पेस्ट हो जाएगा इस तरह आ जाएगा इस तरह आपने सब करने हैं जितने भी टेबल जॉब सर्टिफिकेट दो चार मजीद ऑर्गेनाइजेशनल डिस्क्रिप्टिव के लिए जो कि आपने अगर पेस्ट कर शीट से तो येलो आपने क्या करेंगे इधर पेस्ट कर दें अब यहाँ पे आप उसका इजीली निकाल सकते हैं ठीक है इस तरह डेटा में जाएं, डेटा एनालिसिस आपको चाहिए वो हमने आज यहाँ तक कर लिया